जल चित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ से बाबा गुजरते हैं तो गुजरने से पहले हम लोग को झोपड़पट्टी उजड़ जाती है। सर हम लोग घर द्वार नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएं बताइए, हम लोग के लिए कुछ सहायता दीजिए। हम लोग तो यही देश के नागरिक हैं सर, हम लोग तो देसी ही के नागरिक हैं, बाकी जो जीते हो उनको सोचना चाहिए, थोड़ा गरीबों के लिए कुछ करें। जो सड़क पे हैं उनका घर नहीं है तो थोड़ा घर भी दिला दें, बकरी नहीं कोई सोचता, वो अपने स्वार्थ के लिए सोच जाते हैं सर। बकरी गरीबों के सर मिलता ना तो गरीब ये तर नहीं कहता। मैं चलचित्र अभियान और गोरखपुर न्यूज लाइन की टीम है, ये गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में, और ये यहाँ पर हम लोग गोरखपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस के पास हैं, जहाँ सड़क के किनारे कम से कम 50 ऐसे दलित परिवार हैं जो करीब 12 साल से यहाँ पर सड़क के किनारे झुग्गी में रह रहे हैं, और इनको ये बता रहे हैं कि इनको कोई सहायता और मदद जो है जैसे पानी की या राशन कार्ड की ये सब नहीं मिली है, तो आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। हाँ बताइए, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग 12 साल से रह रहे हैं सर, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला हुआ, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला, कोई भी सुविधा आता भी है तो हम लोग के पास नहीं आता है, गरीब खाते में नहीं आता है हम लोग को। हम लोग अपना झाड़ू पोछा करते हैं, कोई आ जाता है तो उसी के साथ जाते हैं, कमा लेते हैं तो खरीद के राशन पता ही खाते हैं, और हम लोग कुछ नहीं जानते हैं सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश है। आप मीना देवी? मीना देवी। हाँ बताइए, कब से रह रहे हैं आप लोग को? क्या ये 12-13 साल हो गया। तो सरकार की ओर से कोई सुविधा कुछ मिली नहीं है? है सर, कुछ नहीं है। कोई घर का शौचालय का कुछ नहीं है? कुछ नहीं सर, ये सब आप लोग अपना ही? हाँ हम लोग अपने ही रहते हैं। कभी हटाने भी लोग आते हैं क्या? हाँ जी जी सर, हटाने आते हैं, साल में 3 चक्कर आते हैं, 3 चक्कर हटा देते हैं, नहीं हटाते हम लोग तो तोड़ देते हैं लोग। फिर हम लोग लगा लेते हैं, कहे नहीं कि हम लोग को यहाँ पर घर चाहिए, कहीं ना कहीं घर तो हम लोग बोलते हैं तो लाठी चार्ज कर लेते हैं लोग, लाठी चार्ज कर लेते लोग, तो हम लोग को जबरदस्ती हटाना पड़ता है सर। तो ये 12 साल में कितनी बार हटाए होंगे लोग? 12 साल में उजड़ता है, हर साल उजड़ता है, हर साल हम लोग कला लगाते हैं, फिर कल अपना व्यवस्था करके फिर कल बिगाड़ देते हैं, फिर कल उसके बाद फिर लगाते हैं, फिर कल अपना रहना। तो आप लोगों को रोज काम मिलता है यहाँ पे? नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है सर। अच्छा, एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है? सौ डेढ़ सौ। कैसे जिंदगी चलती है? राशन भी आप लोगों को नहीं मिलता? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। किसी के पास राशन कार्ड है? नहीं। अच्छा, राशन कार्ड नहीं? किसी के पास नहीं? किसी के पास नहीं है जितना। और यहाँ पर पानी का पीने के लिए? पानी होने के सर कोई सुविधा नहीं, खाली ये मंदिर है, मंदिर से कला मिल जाता है ना, बाकी कला इधर उधर पानी उसमें भी नहीं मिलता है। मंदिर वाले बंद कर देते हैं सर, तो भी पानी कहीं और बिना पीने भी रह जाते हैं हम। कितना घर होगा यहाँ से? सब मिला जुला के 40-50 घर होगा। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं यहाँ? हम लोग कला सहकारी यही कला गोरखापुर के, हम लोग का जन्म है ना। अच्छा, अच्छा। गोरखापुर में हम लोग कला रहता है, कला बीत गया। तो कहीं गांव होगा कि मतलब? नहीं नहीं, गांव नहीं, ऐसे ही घूमंतु लोग हैं। हाँ जी जी सर, हम लोग घर। कौन से बिरादरी के हैं आप? हम लोग के बासपुर है सर। बासपुर है? आप? हम भी बासपुर हैं सर, हम लोग बासपुर हैं सर। तो बासपुर तो बांस का भी काम करते हैं? जी जी सर, भी करते हैं, हम लोग सुपर मारता है बासपुर सुपर। गोरखपुर शहर में तो सरकार बता रही थी कि कहीं आप लोग के लिए घर बनवाया, लेकिन आप लोग जाते नहीं है। जब सर मिलेगा तभी ना जाएंगे। बताइए, घर मिलता तो हम लोग वहीं रहते हैं। देखिए, एक बार आया था 9-10 लोग के लिए ना, तो उसमें कल 3 ही लोग के कला पास हुआ था, 3 लोग के पास हुआ, बाकी 7-8 लोग के कैंसिल हो गया। वो 3 लोग कहाँ है, गए? हाँ, एक गोविंद है, एक इनका घर है, एक आरती फर्टिलाइजर के पास। वहाँ कितने लोग को मिला? अरे वहाँ मिला है सर, कम से कम हम लोग यहाँ से गए हैं 3 आदमी। तो वहाँ रहते हैं? हाँ रहते हैं, बाकी सुविधा कोई नहीं है सर, पानी वानी का कोई सुविधा नहीं है। हाँ, अभी कोई वहाँ ना पानी का सुविधा है, ना रहने का वहाँ कोई सुविधा नहीं है। हाँ,
वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। कितने लोग का घर बना है वहाँ? वहाँ तो और बाहर ही हैं लोग, अगल बगल के और यहाँ हम लोग तीन आदमी। दूसरे जात के लोग आ गए हैं? हाँ, उसमें कई जाता है। अच्छा, काशीराम मोरजना बना था सर? ये भी काशीराम मोरजना जो मेहती बनाई थी तो ये भी गरीब के लिए बनाई थी। बाकी इस समय जाके देखिए चरपहिया गाड़ी खड़ी है, दो दो तीन तीन गो चरपहिया गाड़ी खड़ी है। बाकी घर द्वार है सर, उसी वो को मिला नहीं मिला है, जिसका घर द्वार है गरीब के लिए नहीं मिला है। गरीब को नहीं, अगर वहाँ गरीब एक तो चला जाएगा ना, उसको मार करके खदेड़ देंगे लोग। तो आप लोग तो वोटर भी, वोटर है क्या आप लोग? नहीं सर, वोटर नहीं है सर। गाँव पर या कहीं कहीं नहीं? कुछ नहीं सर, हम लोग के गाँव नहीं है तो वोटर नहीं आता होगा। नहीं नहीं, हम लोग को कोई मांगने भी नहीं आते सर, वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है तो हम लोग को कभी मांगने भी नहीं आते हैं लोग। बकरी ये भी नहीं सोचते हैं लोग, जो भी प्रधानमंत्री हो चाहे कोनो भी मंत्री हो चाहे कोई यहाँ के सभासद हो, आज की कोई प्रधान भी हो, कोई नहीं आते हैं यहाँ पूछने के लिए सर। मुख्यमंत्री इसी शहर के हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं? हम लोग को भी कोई भी जीतता सर, बकरी हम लोग को गरीब इतना दूर करके गरीब आदमी को नहीं पूछते हैं लोग। कभी इधर से गुजरे कोई मंत्री विधायक अफसर? यहाँ से बाबा गुजरते हैं तो गुजरने से पहले हम लोग को झोपड़पट्टी उजड़ जाती है, सर हम लोग कैसी गाड़ी रोकेंगे? हम लोग गरीब आदमी, गरीब आदमी को पुलिस वाले मार को निहाल हो जाएंगे, किस बात को रोक रहे हो? क्या बता रही थी? किरान लेके आते हैं, सब उजाड़ देते हैं, किरान से मारते हैं पूरा। हम लोग के राशन पता ही जिन्ना रहता, खाना पानी सब चूचा पुचला हो जाता है, हम लोग खाने के लिए परेशानी हो जाता है। जब कोई आता है नेता मंत्री तो आप हटा देते हैं? हाँ सब हटा देते हैं, हम लोग बोलने जा रहे हैं गोड़े गिरने जा रहे हैं तो कह रहे साले मादर जो तुम लोग झोपड़ी लगा रहोगे, यहाँ सब उठी उठी चलता है। तो हम लोग बोलते सर हम लोग घर द्वार नहीं है तो हम लोग कहाँ जाए बताइए, हम लोग के लिए कुछ सहायता दीजिए। लोग सब लोग कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, मोदी जी कहते हैं कि हाँ ये सब सर गरीबों को मिलेगा तभी ना, जिसका है उसी को मिल रहा है। तो मोदी जी कहते हैं हम गरीब घर के आदमी है, चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बन गए तो गरीबों की बड़ी बहुत काम हो रहा है देश में, आपको लगता है? अब मान लीजिए जिसको मिलेगा वही ना नाम लेगा, और जिसको नहीं मिलेगा वो का जानेगा? के लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर। तो मोदी जी किसी काम के हुए कि नहीं? कोई काम के नहीं सर। वो सुनाते हैं रोज वो जो रेडियो, वो तो कल वो तो सब सुनाता है कि कल आप गरीबों के लिए कल मकान बना है, सब किसके सुविधा है। रेडियो पाती है, मन की बात सुनते हैं कभी? नहीं रेडियो तो नहीं सुनते हम लोग, अलग रेडियो टीवी नहीं सर, हम लोग सुनते हैं, सुनते हैं हम लोग। तो हम गरीबों के लिए इतना किए, गरीबों के लिए घर बनवाए, गरीबों के लिए भाई गैस सिलेंडर बांटे, गरीबों के लिए वो क्या बोलते हैं कल पैसा वो आश्रम कार्ड भी आ रहा है, वो भी बोले सब आश्रम कार्ड पे 1,000 रुपया आएगा, तो एक बार 5,000 रुपया आएगा, तो 2,000 रुपया आएगा। तो बकरी हम लोग गरीबों के लिए कुछ नहीं आया सर, हम लोग के खाते में कुछ भी नहीं आया। केवल सुनते हैं लेकिन आता नहीं है? हम लोग के खाते में 1 रुपया नहीं आया। कैसा लगता है आपको कि जो बात हो रही है, मन की बात हो रही है, मन की बात तो आपकी हो रही है लेकिन कुछ मिलता नहीं है? कुछ नहीं मिलता सर। तो कैसा लगता है आपको, लगता है कि देश के नागरिक हैं आप लोग? हम लोग तो यही देश के नागरिक हैं सर, हम लोग तो देश ही के नागरिक हैं। बाकी जो जीते हो उनको सोचना चाहिए, थोड़ा गरीबों के लिए कुछ करें, जो सड़क पे हैं उनका घर नहीं है तो थोड़ा घर भी दिला दें। बकरी ये नहीं कोई सोचता, वो अपने स्वार्थ के लिए सोच जाते हैं सर। बकरी गरीबों के सर मिलता ना तो गरीब बेहतर नहीं कहता, ये तो नहीं कहता। तो ये थे हम लोग यहाँ पर जो कि सड़क किनारे जो बेघर लोग रह रहे हैं, और इस तरह से इस शहर में बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे सड़कों के किनारे गरीब परिवार रह रहे हैं। ये लोग सफाई कर्मचारी सफाई का काम करते हैं और 12 साल यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक गोरखपुर शहर में बेघरों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन अभी तक न इनको आवास मिला है, न कोई यहाँ पर बुनियादी सुविधा मौजूद है, बल्कि हर साल ये कम से कम 4 से 5 बार उजाड़ दिए जाते हैं और फिर अपने ये घरों को फिर बसाते हैं और इस तरह से अपनी ज़िंदगी किसी तरह से गुजार रहे हैं मुख्यमंत्री जी के शहर में। जुड़े रहिए गोरखपुर न्यूज लाइन और चलचित्र अभियान से, फिर मिलते हैं हम किसी और जगह पर लोगों की आवाज़ सुनने के लिए, आम जनता की आवाज़ सुनने के लिए।